अभी हम पहुंचने वाले हैं नूर महल, और ये बड़ा तारीखी महल है जो नवाब ऑफ बहावलपुर ने अपनी ज़ाती तवज्जो के तहत और अपने जो उनकी आर्किटेक्चर लव है उस हवाले से इन्होंने तामीर किया। बहुत खूबसूरत है और काफ़ी वसी और अरीज रकबे पे बनाया गया है, और इसमें डिफरेंट उनके पोर्शन है, मेहमान खाना है, उनकी जो अपना बेडरूम है और गेस्ट रूम्स हैं, काफ़ी सारी उसकी गैलरीज हैं। अभी हम विज़िट करेंगे, बहुत ही खूबसूरत है, और ये एक नुमाया ब्रिटिश ये स्पेनिश और इटालियन मिक्स ब्लेंड है, और ये अबासी हुक्मरानों का एक नायाब और नादिर एक आर्किटेक्चर है। हम दाखिल होने लगे हैं नूर महल, जो अब्बासी हुक्मरान नवाब ऑफ बहावलपुर ने तामीर किया, बहुत ही खूबसूरत है। बहावलपुर का ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, और एक आलीशान बिल्डिंग जो 1872 में नवाब ऑफ बहावलपुर चहारम ने तामीर कराई, इसमें वेस्टर्न और एशियन और ख़ास तौर पे अब्बासी एक डिफरेंट आर्किटेक्चर का टच आपको नज़र आएगा, और बहुत ही एक वसी और अरीज एरिया में ये तामीर किया गया, और इसकी ग्रीनरी और लॉन बहुत खूबसूरत हैं, और इसमें मेहमान खाना और डाइनिंग का, किचन का, और डिफरेंट गैलरीज यहाँ तामीर की गई। अभी हम नूर महल पैलेस में हैं। नूर महल पैलेस अब्बासी हुक्मरान नवाब ऑफ बहावलपुर चहारम ने तामीर कराया, और ये पुरशिकोह आलीशान इमारत पूरे पाकिस्तान का क्राउन है मैं कहूँगा, और ये इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्किटेक्चर नुमाया नज़र आता है, और ये वसी और अरीज रकबे पे मौजूद है, तामीर किया गया, और इसमें ग्रीनरी देखें, लॉन देखें, इसके इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है, और इंटीरियर इसकी वॉल की और सीलिंग की जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, और इसमें डिफरेंट गैलरीज बनाई गई हैं, गेस्ट रूम्स हैं, बेडरूम्स हैं, डाइनिंग के हैं, और बहुत ही एक पूरा एक आपको पूरा एक जैसे एक पैलेस में एक होता है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ, और अभी हमने इसको विज़िट किया। हम नूर महल बहावलपुर में हैं, बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी वसी और अरीज एरिया में तामीर किया गया। हम ये बहावलपुर में हैं, बहावलपुर नहर के किनारे जा रहे हैं, डिफेंस की तरफ, डीएचए की तरफ जा रहे हैं,
और ये नहर के किनारे पर दोनों साइडों पे बड़ा ग्रीन और प्लांटेशन हुई हुई है, दरख्त लगे हुए हैं, और ये मुझे लाहौर की जो नहर है उसकी याद दिला रही है। और ये थोड़ा सा डेवलप हो गई तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू देगी